तो व्हाट्स योर फर्दर प्लानिंग, क्या कुछ देखने आगे देखने मिलने वाला है? एंड ऑल्सो व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट इस टीम के साथ में काम करने के लिए? सिद्धार्थ तो मेरा फेवरेट ही है, सिद्धार्थ मुझे बोल रहा है लेकिन वही फेवरेट है। और जन्नत तो ऑफकोर्स एक अपने आप में ही जन्नत के, हमेशा पहले जो सॉन्ग देखे थे जन्नत के वो कुछ अलग थे, लेकिन मैं जन्नत को हमेशा एक अलग फील में, मैंने लहजा में भी जब प्रेजेंट किया तो मेरा ये था डायरेक्टर के साथ कि मुझे यही किस तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए। वल्ला वल्ला में भी हमने जब जन्नत और सिद्धार्थ के लोगों का काम किया तो हमको चाहिए था कि इस फिल्म में अच्छी आगे आने वाले भी मेरे इन लोग के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोग के म्यूज़िक वीडियो इसलिए नहीं है कि वो 100 मिलियन या 200 मिलियन हो जाए, मेरी दौड़ वो नहीं, मेरी है कि मेरे अगर 1 मिलियन लोग भी देख रहे हैं तो उनको कंटेंट पसंद आना चाहिए, हमने कुछ अच्छा बनाया है। म्यूज़िक वीडियो ये बॉलीवुड का मूवी का सॉन्ग है, ये म्यूज़िक वीडियो में इस तरीके के सॉन्ग्स नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी चैनल के अंदर देखेंगे, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि कोई और चैनल नहीं, हम लोग बेटर अपना वर्क करना चाह रहे हैं कि हम लोग रोज़ हम लोग अगर शूट भी कर लेते हैं ना गाने को और बेस्ट कैसा कर सकते हैं, हम लोग यही सोचते रहते हैं। और सिद्धार्थ में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सिद्धार्थ डिस्टर्ब करते रहते हैं। वेल यू नो नो डाउट सिद्धार्थ आपके मूव हमेशा से हमने देखे हैं बहुत अच्छे रहे हैं, फिर आइदर वो मूव हो या स्टंट हो आप बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। और इस बार तो जन्नत आपने भी सोने पर सुहागा कर दिया है और डांस के मूव्स जो है वो बहुत अच्छे, पर मैं प्रिपरेशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कितने दिन लगे या कितना वक्त लगा आप लोगों को इस गाने को प्रिपेयर करने। हमने 3 दिन डांस रिहर्सल्स किए थे, इनफैक्ट मेरा थोड़ा ज़्यादा हुआ था बिकॉज मैं ये और एमओ सर को डर लग रहा था कि मैं कैसा डांस करूँगी, तो मेरी पहले एक रिहर्सल होगी देखने के लिए कि मैं कैसा डांस करती हूँ। उसके बाद हमने रूटीन प्रैक्टिस की और फिर तीसरा दिन था हमने प्रॉपर टेक्निकल रिहर्सल किया और उसके बाद हमने भी शूट किया। लेकिन ये गाने की जो प्लानिंग है ये काफ़ी महीनों से चल रही है, हम कितना पहले से शूट करना चाह रहे थे बट बिकॉज उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन मैं इंडिया बहुत पर्टिकुलर थे कि हमें इतने डांसर्स चाहिए, हमें इतना क्राउड चाहिए ही चाहिए, तो हमारा गाना डिले हो गया बिकॉज उस टाइम पे हम इतने सारे लोगों के साथ गाना नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने वेट किया और फिर फाइनली तभी जब मुझे मिला था तो उस टाइम वो गाना ना एक हम लोग बड़ी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके यहाँ गए थे तो ये गाना उन्होंने रख लिया कि ये मेरी मूवी के लिए ब्लॉक कर दो। फिर सिद्धार्थ मुझे मिला, सिद्धार्थ ने गाना सुना, सिद्धार्थ बोला ये गाना तो मुझे करना है, ये गाना आप किसी सेलिब्रिटी को नहीं दे सकते, मैं खुद एक सेलिब्रिटी हूँ। मैंने इतना बोला भैया ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा एंड देन भैया यू नो जैसे मैंने बोला पूरा क्रेडिट दिया था ज़्यादा ही, उन्होंने शायद मुझे कुछ देखा, उन्होंने देखा कि हाँ बात गाने में अच्छा आ गया, वो जब दोस्त बात मिलेंगे एक अच्छा सा यू नो थंडर होगा। नहीं ऐसा था, ये गाने में डांस भी चाहिए था तो सिद्धार्थ से बेटर डांसर मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे मिल सकता था। बड़े सेलिब्रिटीज तो बड़े ही लोग अपना वर्क करते हैं। स्टेप्स पर कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया हुक स्टेप्स के थ्रू? आजकल रील्स वगैरह पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं सॉन्ग्स, तो हुक स्टेप पर कितना ज़्यादा वर्कआउट किया है और कितना ज़्यादा ध्यान? आई वुड से राहुल शेट्टी जिन्होंने पूरे गाने को कोरियोग्राफ किया है, हमने जब फर्स्ट टाइम गए और उन्होंने हम जब ये हुक स्टेप दिखाया था बल्ला 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 तो कैसे ये बहुत ईजी भी है और इसमें ना वाइब भी है, मतलब आप जैसे यू नो आप नॉर्मल क्लब में जाते हैं पार्टीज में जाते हैं शादियों में जब गाना बजता है कोई भी तो आप सबसे पहले वो हुक स्टेप ही करते हैं, लेकिन वो हुक स्टेप आप तभी करते हैं जब वो ईजी होता है और देखने में अच्छा लगे। तो जैसे हम उन्हें कि हमने बोला ये तो बहुत अच्छा स्टेप है एंड देन हम लोग ईजी सीख भी गए हुक स्टेप, मेरे लिए टफेस्ट पार्ट वो था जो जितने भी बीट्स थे वो सब सीखते सीखते में टाइम लगा और फिर मुझे चोट भी लग गई तो थोड़ा सा रिहर्सल में कहीं ना कहीं मेरा गैप आ गया था बट समाउ किसी तरह मैनेज कर दिए, सारी चीज़ें अच्छी हो गई और रुक से भी हमारा अच्छा निकल के आ गया, तो वी आर वेरी हैप्पी कि जो हम चाहते थे वो हमने अचीव। वह सिद्धार्थ आपने बहुत सारी झलका हमें रणनीति भी नजर आई क्योंकि मे बी वो स्टेप की वजह से हो या पता नहीं, पर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल मोस्टली बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं अलादीन वाला वाइब भी दे रहा हूँ, सेट का जो वाइब है और लाइट है सारी चीज़ें अलादीन जैसी है तो और अलादीन मैंने किया भी हुआ है तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि अलादीन और जफर का कॉम्बिनेशन लग रहा हूँ एंड सो या आई एम रियली हैप्पी कि जैसा भी हो रणवीर सिंह अगर मुझे बोला जा रहा है डेफिनेटली आई एम रियली हैप्पी फॉर कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। सिद्धार्थ तकरीबन अब तक ऐसे कितने गाने छीन के रखे आप जिसने बताया कि आपके पास कुछ भी गाने देखे मैंने बहुत ही पॉपुलर थे।